अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीज़े और ये है मेरी कहानी। मुझे फूल पौधे पेड़ सब बहुत पसंद है। ये किसी को कुछ कहते नहीं है, बस इंसानों का फायदा ही पहुंचाते हैं। फायदा तो डॉक्टर्स भी पहुंचाते हैं, जैसे मेरी बहन कौला है तो मुझसे छोटी पर मुझे बड़ा नहीं समझती। अब मैं आपको मिलवाती हूँ अब्बा से, जिनको कौला डैड कहती है। रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर सिद्दीकी सिर्फ अखबार पढ़ते हैं और अम्मा से लड़ना उनकी फेवरेट हॉबी है। लीजिए आपकी चाय। अरे बाबा बाबा, क्या गर्मा गर्म चाय सुबह सुबह मिलेगी। भैया फिर फीकी चाय ले आई हो? क्यों भूल जाते हैं आप, चीनी मना है आपको। तभी तो पाकिस्तानी से गुजारा कर रहा हूँ। शुक्र अदा करें और आराम से चाय पिएं। जहां आ रहा, जिन्हें खौला मॉम कहती है, बहुत जज्बाती है भाई, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग में कमाल रखते हैं। बाजरे ता सिटावे असा तले ते मरोड़िया। बाजरे भाई आज क्या सुबह सुबह नाश्ते में बाजरे की रोटी और सरसों का साग मिलने वाला है? बेफिक्र रहें, कम से कम आज तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तुम्हें पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की है, उसके मुताबिक दुनिया में ऐसा मुल्क भी है जहां बीवियां शौहरों के पैर धो धो कर पीती हैं। क्या कह रहे हैं आप, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी रिसर्च? अरे अरे कुछ नहीं, इसे तो पीछे करो लग जाएगा अपना। मैं तो अखबार की हेडलाइन पढ़ रहा था। आप अपनी ये हेडलाइन ना अपने दिल में ही पढ़ा करें, वरना ये चिमटा हर वक्त मेरी पहुंच में होता है। तो तुम हर बात पे नाराज हो जाती हो, भाई इसे रखो लग गया तो। तुम्हारी दादी तो कहती थी कि लड़की के मुंह में जबान नहीं है। दादी अम्मा का जमाना गुजर गया और ये जो जुबान है ना, ये मैंने आप लोगों से ही सीखी है। वैसे आपकी दादी अम्मा ना अल्लाह माफ करे कुछ कम नहीं थी, ऐसे ऐसे झूठ बोले थे उन्होंने। कहती थी हमारा लड़का तो इतना शरीफ है, इतना शर्मीला है कि उसकी नजरें जमीन से ही झुकी रहती हैं। लड़कियों को देखते ही बेहोश हो जाता है, नब्ज तक रुक जाती है, मुक्का मारो तो होश में आता है। अरे यहाँ तक कि उन्होंने तो शनाख्ती कार्ड में भी आपकी उम्र गलत लिखी थी। तो तुम हर बात में मेरी दादी को बदनाम करने पर तुली रहती हो। अरे रहने दे रहने दे, मैं ना आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। जितनी आपको आपकी दादी मरहूमा अजीज है, मुझे उससे ज्यादा ही प्यारी है। अच्छा ये बताओ कि वो डॉक्टर खोला की तरह? अल्लाह जाने भाई, आपकी ही लाडली है वो, 20-20 घंटे लगाती है तैयार होने में। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया कि वो हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कैसे करती है। मैं जानता हूँ जानता हूँ, तुम हम बाप बेटी से जेलसी फील करती हो। मेरे पास ना करने को और भी बहुत सारे काम है और मुझे ना अपना सुकून बहुत अजीज है। तभी हमारे सुकून बर्बाद करने पर तुली रहती हो तुम। ये पकड़े अपना नाश्ता और जाएं बाहर। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हाल है, कैसे हैं? बेटा कुछ लेट नहीं हो गई? यार सारी रात मूवीज देखती रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता, तुम्हारी माँ ने सुन लिया तो 1.5 घंटे का लेक्चर देगी। मैं सब जानती हूँ मेरे बारे में क्या साजिशें हो रही हैं। अरे बेटा वो मॉर्निंग छंसी तो बनाओ। हाँ भाई, एक तो ये बाप बेटी को ना सेल्फियों से ही फुर्सत नहीं मिलती, नाश्ते खाने किसी चीज के लिए वक्त ही नहीं है आजकल के बच्चों के पास। तुम जेलस क्यों हो रही हैं यहाँ पे आज? आया है। मुझे तो भाई माफ ही रखो तुम इन चोंचलों से। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ। रुको रुको जी,
ये मैंने टिफिन तैयार कर दिए, ले जाओ और याद से खा भी लेना। पकड़ो। क्या बनाया इसमें? आलू का पराठा है और कबाब भी है साथ में। मैं नहीं खा रही भाई आलू का पराठा। आप बिना कभी कभी बहुत टिपिकल बिहेव करती हैं। चलिए बाय 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 बाय। ओके 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 ओके। देखा आपने कैसे बाप के सामने मुझे टिपिकल कहकर चली गई है। माँ हूं ना, कर भी कह सकती हो। तुम हर बात को दिल पे मत लिया करो ना, कोई बात नहीं, बच्ची है। आओ, इसमें क्या है? पराठा कबाब। अरे आओ ना, मिलके खाते हैं। पर आलू का पराठा है तो क्या हुआ? नहीं, मुझे दे। अलीजे, अलीजे बेटा उठ जाओ। चामा, बहुत तंग करती हो बेटे, कभी खुद से भी उठ जाया करो। फजर की नमाज के बाद बहुत मजे की नींद आती है। वैसे और कोई काम है तुम्हारा? सिर्फ सोना और उठ के पेड़ पौधों के साथ लग जाना बस। अम्मा, मैं बॉटनी में एमफिल कर रही हूँ, पूरी पूरी रात जा के पढ़ती हूँ, आसान काम तो नहीं है। बड़ी मेहरबानी आपकी। और मेरी माँ, उठ जा अब, उठो, और भी बहुत काम है मुझे। उठ रही हूँ, उठ रही हूँ। उठो, पता है मुझे यही करेगी। चलो उतरो। खान बाबा। जी बेगम साहबा। ये लड़का फिर कहाँ रह गया? तैयार हो रहे होंगे। रोज ही लेट कर देता है, आप जाके उसकी खबर तो लें। ठीक है बेगम साहबा। साहब, बेगम साहबा गुस्से हो रही है। यार, हाल है, मॉम हमेशा इतनी जल्दी रेडी कैसे हो जाती है? ओके, आई एम जस्ट कमिंग, आप जाएं। आई एम सो सॉरी मॉम, मैं आज फिर से लेट हो गया। और मुझे देखो, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहती। मैं सोचता हूँ आप इतनी पंक्चुअल कैसे हैं मॉम। वैसे एक कंपनी की जेम को पंक्चुअल तो होना ही चाहिए ना, और वैसे भी जिंदगी के सालों में वक्त ने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया था। मैं नहीं चाहती कि वक्त मुझसे आगे निकल जाए। भी कभी बहुत अच्छी बातें करती है मामा। जी हाँ, मक्खन को मुझे नहीं तुम्हारे सामने रखे टोस्ट की जरूरत है। जल्दी से नाश्ता खत्म करो, वी आर गेटिंग लेट। मॉम, यू आर अ सुपर मॉम। I know that. ये देखो, अल्लाह बख्शे, तुम्हारी नानी अम्मा ने ना जहेज में मुझे ये दिया था, असली सोने का है। मैं देख लूं? हाँ। प्यारा है ना? बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसके पत्थर भी ना बिल्कुल असली है, कभी पूरी जिंदगी में ना इसका रंग मान नहीं पड़ेगा। अम्मा, ये आप किसको देंगी? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गुलबन तो मेरी बेटी पे बहुत सज रहा है। अब तुम्हारी शादी पहले है तो ये मैं तुम्हें ही दूंगी। अच्छा सुनो, तुम्हारे अब्बा ना अभी फोन करेंगे तुम्हारी फूफो को शादी की तारीख पूछने के लिए। सुना है कि अहमद बहुत जल्द वापस आ रहा है अमरीका से। वाओ मॉम वाओ, आपने ना मुझे हमेशा सरप्राइज ही किया। रियली? वो कैसे? थैंक यू। अपनी जिंदगी के इन 27 सालों में मैंने आप जैसी कॉन्फिडेंट लेडी आज तक नहीं देखी। वहां मीटिंग में अपनी समझ बूझ और स्किल से आपने सबको हैरान कर दिया मॉम। 3 घंटे की मीटिंग थी, 3 घंटे की, और वहां कोई बोर नहीं हुआ। वाओ, तुम नहीं जानते शेर यार, एक इंसान के कितने चेहरे होते हैं,
और मैंने सिर्फ यही चेहरा दुनिया के आगे रखा है। तुम अगर असली रमरा अफरीदी को मिल लो तो यकीन ना करो। क्या कुछ ऐसा है मॉम जो मैं नहीं जानता? डियर सन, तुम अभी तक पुरानी रमला अफरीदी से मिले ही नहीं। तो फिर कब मिलवा रही है मुझे? बहुत जल्द, लेकिन बहुत बातें हो गई हैं। यू नीड टू ऑर्डर समथिंग क्योंकि हमारी अभी मीटिंग लाइन अप है। ओके बॉस, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। एक्सक्यूज मी। हेलो लेडीज, क्या हाल है, क्या हो रहा है? ये क्या मगरबी चोंचले हैं बेटा, सीधे सीधे सलाम नहीं होता, बरकत होती है, सलामती होती है इससे। यार मामा, आप तो मेरी छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठ जाती हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वालिदा, क्या हाल है आपके? आप बताइए क्या चल रहा है? अलीजे की शादी की बातें हो रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर बताएं कब आ रही है पप्पू डेट लेने? तुम्हारे अब्बा भी फोन करेंगे तो फिर बताएंगे हमें भी। दुल्हन तो देखो कितना ब्रश कर रही हो तुम। खैर, वेयर इज माय डैड? प्रोफेसर सदीकी साहब कहाँ हैं? इवनिंग वॉक पर गए हैं। इवनिंग वॉक तो एक बहाना है, पक्का बाहर जाके लड़कियों को देख रहे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ते बाप के बारे में ऐसी बातें कर रही है? सारे हॉस्पिटल के जम्स उठा के घर ले आइए। हैं? वहाँ मैं हाउस जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे ना सीनियर डॉक्टर के पीछे बस खड़े होके देखना होता है, हाथ वाथ नहीं लगाना होता। अजीब। अच्छा जाओ, फिर भी फ्रेश हो जाओ, उठो। अच्छा, इसमें मेरे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, जा, सब कुछ उसका है। क्या? हाँ। मेरे भी शादी कराओ भाई। तुझे और बना दूंगी। ये लो जी चाय गरम गरम। थैंक यू। वेलकम। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है इस बार? अरे हाँ, देखे मैं आपको बताना भूल गया, वो मेरी बात हुई है, दो चार दिन में ये जो मेड है ना इसका बंदोबस्त हो जाएगा। मैं मेड के बारे में नहीं बोल रही, तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। क्या शादी, वो भी मेरी? मॉम अभी तो बहुत वक्त है ना, और आप क्या मुझे अभी से पाबंद करना चाह रही हैं? शेरी, शादी की उम्र यही मुनासिब होती है, और मैं वैसे भी चाहती हूँ कि तुम घर में दिल लगाओ। मॉम सिर्फ एक यही वजह है क्या? You're so funny, शेरी। Seriously? पर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं ये टास्क पूरा करके रहूंगी। वैसे तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे भी बता दो। मॉम आप अच्छी तरह जानती हैं मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, और ये जो लड़कियां ना इनसे दोस्ती वोस्ती करने मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। फिर भी तुम्हारे कोई तो पसंद होगी ना, मतलब किस तरह की लड़की चाहिए तुम्हें, किस तरह की पसंद होगी? मुझे आप जैसे कॉन्फिडेंट। मैंने कितनी दफा कहा है कि खाना खाते वक्त टीवी ऑफ कर दिया करो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। असूरन तो हमें डाइनिंग टेबल पे खाना खाना चाहिए। अब्बा घर बैठे हैं, मेहमान थोड़ी हैं हम। और ना ये खाना टेबल पे खाने वाला ट्रेंड जो है ना, वो सिर्फ ड्रामों में अच्छा लगता है, और वहीं होता है ये सब कुछ। यार तुमने इतना अच्छा पुलाव बनाया, मेरा इतना दिल चाह रहा था ना मटर पुलाव खाने का, आई स्वेयर। तभी तुम्हारे दिल की बात सुनकर मैंने आज मटर पुलाव बनाने का फैसला किया। थैंक यू, कितनी अच्छी हो तुम अलीजे। कितनी दफा मना किया है कि बड़ी बहन है तुम्हारी, नाम से मत पुकारा करो। अच्छा ना यार, अब मैं आपको टिपिकल मॉम बोलूंगी तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। आज मैंने नई रेसिपी देखी यूट्यूब पे, उसके मुताबिक बनाया मैंने। दिस इज सो परफेक्ट, लाइक सो गुड।
भाई हमारी दादी मरहुमा तो इतना अच्छा मटर पुलाव बनाती थी कि मटर का रंग तक खराब नहीं होता था, और तो और चावल भी खड़े खड़े होते थे। तुम्हें पता है खानदान में किसी के यहाँ भी दावत होती थी, दादी मरहुमा को खास तौर पर बुलाया जाता था। तो आज भी दादी मरहुमा को बुला लिया होता मटर पुलाव बनाने के लिए। अलीजे, देख रही हो ना तुम अपने बाप की हरकतें? अम्मा, अब बाप से मजाक करते हैं, अब दिल पे मत लिया करें इनकी बातें। अलीजे, वाकई मटर पुलाव बहुत अच्छा बनाया, मजा आ गया। शुक्रिया अब्बा। शुक्र है खुदा का, जब ये ब्याह के आपकी बहन के हाँ जाएगी तो हमारी लाश तो रखेगी, और ये खौला जहां भी ब्याह के जाएगी ये तो हमारी नाक ही कटाएगी। अम्मा चिल करें यार, इसलिए तो मैं डॉक्टर बन रही हूँ, जब जब आपका नाक कटवाऊंगी ना अपने हाथों से सर्जरी करूंगी, वादा। खुद नहीं देख रही क्या बोल रही हूँ? अरे लो भाई, तुमने अपनी नंद को याद किया और उसका फोन आ गया। जैसे तो वो आपकी कुछ लगती नहीं है। अच्छा, उससे ये जरूर पूछेगा कि अहमर आ कब रहा है, बल्कि आप ऐसे करें कि स्पीकर ऑन करके ही बात करें ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं पानी लेकर आऊं। जाओ जाओ चलो। हेलो। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुने, मैं खुद चाहती हूँ कि अलीजे यहाँ मेरे पास आ जाए, लेकिन मैं अहमद की खुशी और पसंद के आगे मजबूर हूँ। कहता है कि अलीजे वो लड़की नहीं है जिसके साथ वो हाई सोसाइटी में मूव कर सके। आपको पता है ना, हम कई सालों से यहाँ अमेरिका में सेटल हैं, और यहाँ माहौल का भी तो असर है। दोस्तियाँ और दिलचस्पियाँ जो है ना, ये भी बदल गई हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आप अलीजे का ख्याल रखें, उसे अप टू डेट बनाएं। होला तो कदरे बेहतर है, लेकिन अलीजे बड़ी बावली और स्टूपिड है। पापा, आपने अगर अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से नहीं करना तो बेशक न करें, रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ दें। आपको ये हक नहीं पहुंचता कि मेरी बेटी को पागल और नफ्सियाती कहें। आप बेटे का रिश्ता कहीं और करना चाहती हैं तो शौक से करें, आप खुश रहें, ना करें मेरी बेटी से रिश्ता। और 2 साल का रिश्ता था, फूफू ऐसे कैसे कर सकती हैं? जानता हूँ बेटी, जानता हूँ मैं। वैसे रिश्ता तोड़ने की ना ये कोई माकूल वजह नहीं बताई इन्होंने। आपको पता है अबू, मैंने उसकी खुद पिक्चर्स देखी उन गोरी लड़कियों के साथ इंस्टाग्राम पे, मुझे तो तभी पता चल गया था कि दाल में कुछ काला है। पर इस घर में मेरी कोई बात सुनता है? बताया था ना मैंने आप सबको। अरे उसने उसी को वजह बना लिया है, हमारा छोटा सा खानदान है, पूरे खानदान में बात फैल गई। अगर तुम लोग परेशान ना हो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मेरी वजह से हो रहा है ना ये सब? नहीं बेटा, पागल हो गई हो, और सुकून हो जाओ। रिश्तों का क्या है, ये तो जुड़ते टूटते रहते हैं, दिल छोटा नहीं करते बेटा। मैं जानती हूँ, छोटी बात थी ये माँ। आज अब सबकी परेशानी की वजह मेरी साथ है, अगर मैं भी बाकी लड़कियों की तरह होती तो मेरे साथ ये सब बात। क्यों गुनहगार कर रही हो हम सबको? सब ठीक हो जाएगा। खौला, बहन को कमरे में ले जाओ। बहुत अच्छा हुआ, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। अच्छा बस, और याद से ना सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर देना। जाओ बेटा, आराम करो। आ जाओ।
जा रहा। परेशान मत हो। मुझे एक बात बताओ, फूफो ने मुझे पागल और साइको क्यों कहा? दिमाग खराब है उनका। फूफो जो है, कोई ना कोई वजह तो निकालनी थी, बस बहाना मिल गया। और तुम्हें पता है, उनका अपना बेटा भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। तुम एक दफा उसका इंस्टा स्टॉक करो, पता चले तुम्हें क्या क्या हरकतें करता है वो। अलीसे खाला, तो मुझे बताओ, मैं खुद को कैसे बदलूं? हाँ, मेरी बात गौर से सुनो। क्यों बदलना है, किसके लिए बदलना है? तुम हर लिहाज से भी यूनिक हो यार। तुम्हारे जैसी इनोसेंट सिंपल लड़कियों को आजकल लोग आइडलाइज करते हैं। तुम हर लिहाज से परफेक्ट हो, हर लिहाज से। जिन लोगों को बदलना चाहिए था, शुक्र है कि वो हमारी जिंदगी से खुद ही निकल गए। शुक्र अदा करो, हमारी जान छूट गई है उनसे। शादी के बाद की इश्यूज क्रिएट करती पप्पो, तो तुम्हारे लिए अपने असल को मारना बहुत मुश्किल हो जाता। देखो ट्रस्ट मी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम देखना, इसी में बेहतरी है तुम्हारी। प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। अच्छा इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ। अच्छा प्लीज चुप हो। अच्छा हुआ जान छूटी हमारी। प्लीज चुप हो जाओ। अब तुम चाहती हो मैं भी रहूं क्या? तबीयत तो ठीक है? वो अलीजे? से यही है, ठीक है। आपने सब खिड़कियां दरवाजे चेक कर लिए थे ना? सब लॉक्ड है ना? खाला बहुत एहतियात से खिड़कियां दरवाजे बंद करती है रोज। तुम फिक्र ना करो, आराम से सो जाओ। पानी पियोगी? नहीं। होला तो कदरे बेहतर है, लेकिन अलीजे बड़ी बावली और स्टूपिड है। चलिए डॉक्टर होला, अब आप तैयार हो गई हैं। इतना लेट हो गई हूं मैं। बाय अलीजे। अलीजे, ये अलीजे अब तक सो रही है? उसके फाइनल ईयर के थीसिस चल रहे हैं, सारी रात सर खपाती है, नींद पूरी करने दो उसे। वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि ये दरख्तों, जड़ों, पत्तों वाली पढ़ाई करने की आखिर जरूरत क्या है? औरतों को तो खानदारी के कोर्सेज करने चाहिए ना, आगे चल के काम भी आते हैं वो। ये जो घर में ताजा फ्रूट और सब्जियां आ रही हैं ना, ये सब अलीजे की वजह से आ रही हैं, जिन्हें तुम अपनी सहेलियों को गिफ्ट करती फिरती हो। और तुम्हारी सहेलियों को तो कभी तौफीक नहीं हुई कि एक इलायची का दाना ही भेज दे। बस कर दे, बस कर दे। मर्दों को ये बातें जेब नहीं देती भाई, औरतों के अपने 100 तरह के लेन देन होते हैं। अम्मा रो मैं,
बारे में क्या बताओ तो सही हो कुछ भी नहीं है मेरी जान, कुछ भी नहीं है, ये नकली है, नकली। डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सब ना तुम्हारे बाप की वजह से है, इन्हीं की दी हुई छूट है इस खोला को। खोला की बच्ची, यार जी मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अम्मा मेरा इतना छोटा सा दिल है, मुझे कुछ हो जाता तो। ला ना करे, कैसे कैसे कुछ हो जाता तो, बहुत से ना इन बाप बेटी का मैं खाना पीना ही बंद कर देती हूँ। गजब खुदा का, अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो। अरे मैं तो शुरू से कहता हूँ कि तुमने अलीदे को बुजदिल बना दिया है। खौला है ना, शेर पुत्र है मेरी बेटी। मेरे गजब को आवाज ना दे, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। नहीं वो तो पहले भी नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद मर्द हजरात का दिमाग ना चल जाता है, बल्कि सिठे आ जाता है। तुम रिसर्च पढ़ लेती हो? ये घूर घूर के मुझे ना देखे, पकड़े इसे और बाहर फेंक के आए। इसे अपने बेडरूम में ना रख लूं? आपका बिस्तर स्टोर रूम में ना रखा दूं? वहां चलते पड़ती छिपकलियों के साथ ना मुजाकरात कीजिएगा। सचमुच सटे आ गए हैं। चलो मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। अम्मा, अम्मा मैं नर्सरी तक जा रही हूँ। वो नर्सरी वाले अंकल से कहा था कि कैक्टस लेते हुए, मुझे लगता है वो ले आएंगे, मैं लेने जा रही हूँ। बेटा एक तो मैं तुम बाप बेटी के अजीबोगरीब शौक से ना आजिज आ चुकी हूँ, अल्लाह ही हिदायत दे तुम लोगों को। अच्छा वो अम्मा प्लीज पीछे से बात मत देना। हमारे घर के सामने गाड़ी, जाने कौन आया हमारे गरीब खाने में। गरीब तुमने मेरा कैक्टस तोड़ दिया। कैक्टस? I'm so sorry, मैंने seriously आपको देखा नहीं था। क्यों? अपनी आंखें घर भूल के आए थे क्या? हाँ? सच में अब तो ऐसे ही लग रहा है। दो हफ्तों से मैं इस कैक्टस का इंतजार कर रही थी और तुमने मेरा कैक्टस तोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझे तुम? Excuse me मैडम, मैंने आपसे सॉरी की ना, और मैं सच में शर्मिंदा हूँ अपनी गलती। क्या करूँ हाँ, तुम्हारी शर्मिंदगी का अचार डालूं? तुम्हारी शर्मिंदगी से क्या होगा, मेरा कैक्टस जुड़ जाएगा क्या? हाँ? तुम्हें पता है एनवायरनमेंट के लिए कैक्टस कितना जरूरी होता है? टू बी ऑनेस्ट मुझे इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही प्लीज थोड़ी सी रोशनी डालिए। जहाँ पे पानी नहीं होता ना, वहाँ पे भी कैक्टस होता है। अच्छा, और सर्वाइवल की जंग लड़ता है, जानवरों की शेल्टर भी बनता है, और तो माहौल में सुकून पैदा करता है। और कैक्टस एक फ्रेंडली प्लांट भी है। और जिनका कोई दोस्त नहीं होता ना, कोई दोस्त भी बन जाता। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है ये रोजमेरी और ट्यूलिप को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उसकी खुशबू उसके रंग से बहुत मुतासिर होते हैं। समझ आ गई मुझे आप। तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह जो रंग और खुशबू को अहमियत देते हैं, उनसे मुतासिर होते हैं। जिंदगी में कांटों की भी बहुत अहमियत होती है। खैर, आप जैसे लोग कहाँ समझेंगे। नहीं, समझ रहा हूँ मैं आपकी। बस, जिसको कैक्टस की कदर नहीं है वो हाथ भी लगा सकता है इसे। मैंने कह रही हूँ ना, पीछे हो जाओ। पता नहीं क्या समझता था। रुकिए, रुकिए, खबरदार, इसको हाथ लगाया, जाओ यहां से आप।
मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ देती, उसकी दांत तोड़ देती। उसने मेरे कैरेक्टर को नुकसान पहुंचा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? बस कर दो यार एलिज़े, क्या हो गया? रहम खाओ उस बेचारे पर, डैड का स्टूडेंट था, गलती होगी, उससे माफ कर दो। क्यों रहम खाओ, क्यों माफ करूं मैं उसे? हाँ यार, एक कैक्टस ही तोड़ा है उसे तुम्हारा, शुगर है तुम्हारा दिल नहीं तोड़ दिया उसे, पता नहीं तुम क्या करती। यही तो मैं कह रही हूँ डॉक्टर खोला, मेरा दिल तोड़ देता ना मैं उसे माफ कर देती, उसे मेरा कैक्टस तोड़ा है, उसे कभी माफ नहीं करूंगी। समझता क्या वो? वैसे मैंने सही सुना है बॉटनी के सारे स्टूडेंट्स ना बिल्कुल पागल होते हैं, तुम लोगों को ना छांगा मांगा के किसी जंगलात में ना खेमे लगाकर छोड़ देना चाहिए, वही खुश रहोगे तुम लोग। अच्छा बस करो ना, नया गमला तो मिल गया तुम्हारे कैक्टस को। अच्छा ना बस करो, चलो देखते हैं मॉम ने क्या बनाया खाने के, भूख लगी है। मानो चल। रोजमेरी और ट्यूलिप को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उसकी खुशबू उसके रंग से बहुत मुतासिर होते हैं। जिंदगी में कांटों की भी बहुत अहमियत होती है, खैर आप जैसे लोग कहां समझेंगे। मॉम कुछ काम कर रही है? कल की प्रेजेंटेशन बना रही हूँ। अच्छा, इम्पोर्टेंट है बहुत? हाँ काइंड ऑफ, क्यों कोई काम था? नहीं। बोलो क्या बात है? नहीं कुछ कुछ खास नहीं, बस यूं ही। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। जब तुम पर ये डिलेमा होता है ना, उसी तरह रिएक्ट करते हो। अरे मॉम जब आपको पता है तो प्लीज प्लीज इधर आइए। मॉम 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 असल में मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ तो कहो, मैं सुन रही हूँ। मॉम वो कुछ दिनों पहले आपने मुझसे शादी के बारे में कुछ बात की थी ना? हाँ बिल्कुल, और इसलिए मैं बहुत सारी लड़कियां भी देख रही हूँ जो मेरे बेटे के साथ चल सके। ऐसी मुझे कोई पसंद आएगी मैं तुम्हें मिलवा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे सोशल सर्कल में हमारी बहू की पर्सनालिटी और ग्रेस से हर कोई हैरान रह जाए। आफ्टर ऑल अफरीदी खानदान की बहू भी शानदार होनी चाहिए। मॉम मेरी बात तो सुने, मुझे एक लड़की पसंद है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी है, और मॉम उसे ना वो कैक्टस का पौधा भी बहुत पसंद है। अच्छा कौन लड़की है, कहाँ मिली उसे? अरे मेरे वो प्रोफेसर थे ना, प्रोफेसर सिद्दीकी, मैं मिलने गया था उनसे, मॉम वहीं मिली थी। एक्चुअली उनकी बेटी है, मुझे बहुत पसंद है।
मैं प्रोफेसर सदीकी को जानती हूँ। जानती हैं मतलब मॉम? अरे मॉम बात तो सुने, मॉम 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 क्या हो गया? आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्या बात है? शेरी, वो एक मिडिल क्लास फैमिली है और रिश्ता तय करने से पहले बहुत सी बातों का ख्याल करना पड़ता है। मॉम क्या बातें कर रही हैं आप? अगर वो मिडिल क्लास है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मिडिल क्लास लड़कियों के बड़े मसले होते हैं शेरी, बात बात पर तो रोने बैठ जाती हैं। इंग्लिश बोलती है तो उनका एक्सेंट ठीक नहीं होता है, सोशल गैदरिंग में अजीब कंफ्यूज सी नजर आती हैं, जो हमारे सर्कल में एक मजाक बन जाता है। और तो और एलीट क्लास के टेबल मैनर्स नहीं उनको आते, फैशन सेंस उनकी वीक है। पकौड़ों का बेसन घोलने वाली मिडिल क्लास लड़की तुम्हारे पसंदीदा इटालियन खाने बनाते बनाते उसकी तो उम्र गुजर जाने, कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज करोगे शेरी? मॉम आप शायद एक बात भूल रही हैं, आपने भी खुद को बदला है ना, इस माहौल में खुद को एडजस्ट किया है ना, तो इसी तरह वो लड़की भी खुद को बदल लेगी। और मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मॉम आप शायद एक बात भूल रही हैं, आपने भी खुद को बदला है ना, इस माहौल में खुद को एडजस्ट किया है ना, तो इसी तरह वो लड़की भी खुद को बदल लेगी। और मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आजा बेटा आजा आजा, शाम आराम से आराम से, देख गिरे ना गिरे ना, आराम से आराम से, ला डालो, शाबाश शाबाश, एक जगह रख दिया एक जगह रख दिया, ला भैया ला भैया ला भैया ला भैया ला। अरे बेटा ये देखो तुम्हारे लिए पार्सल आया। अब्बा आप लाए मेरे लिए? नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए पार्सल आया, मैंने छुपा के यहाँ रख दिया तुम्हारी माँ से, वरना डेढ़ घंटे की लाइव ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी। हा, 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 हा। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो हाँ मैं अलीजे से स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस कर रहा था। अच्छा, वैसे मैं इतनी भी सीधी नहीं हूँ जितना आपने और आपकी बेटियों ने मुझे समझ रखा है। दिखाओ जरा अम्मा क्या छुपाया जा रहा है। घर में क्या घास फूस पहले कम था जो ये कांटे भी जमा कर लिए? अरे कुछ तो खुदा का खौफ करें, बेटियां जवान हो गई हैं कि शादी की उम्रें हैं, कब अकल आएगी आपको? अरे भाई मैं नहीं लाया, ये वो मेरा पुराना स्टूडेंट है ना शहरयार, ये उसने तोहफा भेजा है अलीजे के लिए। या अल्लाह आप नहीं सुधरने वाले। I'm so sorry, मैंने सीरियसली आपको देखा नहीं था।